हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंदन कुमार सिंह। ये थर्मोडायनेमिक्स का 10th पार्ट है। लास्ट पार्ट में डिस्कस किए किस क्वेश्चन नंबर 181 तक। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है द हीट इंजन इज सप्लाइड हीट एट ए रेट ऑफ 30,000 जूल पर सेकेंड एंड गिव्स एट आउटपुट 9 किलोवाट। द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द इंजन, इंजन का थर्मल इफिशियंसी क्या होगा? नाउ दिस इज ए हीट इंजन। ये एक हीट इंजन है हमारा, ये हीट इंजन है। ये हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लिया। जो हीट लिया Q1 वो था 30,000 जूल पर सेकेंड, और इतना हीट लेने के बाद वो कुछ वर्क किया वर्क और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दिया एट लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर में। दिस इज द हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर, दिस इज द लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर। जो हीट लिया वो Q1 था और जो हीट रिजेक्ट किया वो Q2 था। तो एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है यहाँ पर? इस इंजन का आउटपुट जो है वो है W। दिस इज द आउटपुट, दिस इज द रिजेक्टेड अमाउंट। ये रिजेक्टेड अमाउंट हमको नहीं लेना है। आउटपुट यानी कि W और इनपुट यानी Q1। W बाई Q1 करेंगे हम तो मेरे को एफिशिएंसी दे दीजिए। तो W जो है वो है 9 किलोवाट। 9 किलोवाट, 9 × किलो का वैल्यू 10³ वाट, और Q1 जो है वो 30,000 वाट। 30,000 वाट इसको डिवाइड कीजिएगा तो मिलेगा 0.3, दैट मीन 30%। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इनकमिंग एनर्जी है वो है Q1, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी जो है वो W प्लस Q2 है, तो W प्लस Q2। तो कितना अमाउंट ऑफ रिजेक्ट हुआ ये अगर निकालना हो तो Q2 यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस डब्ल्यू, और Q1 कितना है? 30,000, और W क्या है? 9,000, 9 किलोवाट मतलब 9,000। तो हम कह सकते हैं Q2 निकालना है हमको, तो Q2 निकालना है तो Q1 माइनस W, Q1 30,000 माइनस 9,000 मतलब कि 21,000 वाट। 21,000 वाट को किलो वाट में अगर लिखेंगे हम तो 21 किलो वाट, 10³ को हम किलो लिखेंगे तो हमको मिला 21 किलो वाट। इसका 30% और इसका 21 किलोवाट, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 184 कह रहा है इफ Q1 बी द हीट ट्रांसफर बिटवीन द हॉट टेम्परेचर सोर्स एंड द मशीन एंड Q2 बी द हीट रिजेक्टेड टू द कोल्ड टेम्परेचर देन फॉर ए हीट पंप COP क्या होगा? हीट पंप के केस में COP क्या होगा? तो इस पर्टिकुलर केस में हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को अगर हम गौर से देखें तो दोनों का जब लगभग फिगर हमको जो दिखेगा वो सेम ही दिखेगा। दिस इज हीट पंप, दिस इज माई हीट पंप। थोड़ा सा और हम आगे देखेंगे, कोई भी हीट पंप उठा लेते हैं। मान लीजिए ये हीट पंप है हमारा, हीट पंप के केस में दिस इज द फिगर ऑफ हीट पंप, दिस इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और दिस इज द लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर। इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। ये ऑपरेट हो रहा है इन ए साइकिल में। Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से लिया गया और Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ रिजेक्ट किया गया। इस ऐसा करने के लिए हमको वर्क डन W देना पड़ा। तो इसको हम अगर बोलेंगे रेफ्रिजरेटर और इसको बोलेंगे हीट पंप, दोनों फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है
कि हीट पंप का काम होता है रूम को गर्म करना। रूम इस पर्टिकुलर केस में रूम आपका ये है और सराउंडिंग आपका ये है, बट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर में दिस इज रूम और दिस इज माय सराउंडिंग। रूम से रेफ्रिजरेटर में रूम से हीट निकाला गया, T2 जहाँ रूम था, रूम का टेम्परेचर T2 है, वहाँ से हीट निकाला गया Q2 अमाउंट, तो रूम क्या हो गया, ठंडा हो गया, रूम को ठंडा करना है। तो ये रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग का अगर बात करें तो एयर कंडीशनिंग में दिस इज माई रूम और दिस इज माई सराउंडिंग। तो रूम से हीट निकाल करके उसको हम सराउंडिंग में भेजे, ऐसा करने के लिए हमको जो वर्क डन देना पड़ा वो W देना पड़ा। इस केस में हीट पंप में रूम में हीट देना पड़ा, हीट पंप का यूज़ करते हैं विंटर में, विंटर में रूम को हमको गर्म करना है, तो रूम में हीट हम लोग दे रहे हैं, Q1 अमाउंट ऑफ हीट रूम में दे रहे हैं। अब COP अगर निकालने का बारी आया तो COP होता है डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी सप्लाइड। अब डिजायर्ड इफेक्ट जो है इस पर्टिकुलर केस में, डिजायर्ड इफेक्ट जो मेरा है ये रूम को गर्म करना है मेरा डिजायर्ड इफेक्ट, और रेफ्रिजरेटर में डिजायर्ड इफेक्ट मेरा रूम से हीट निकालना है। तो COP जो होता है वो डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी सप्लाइड, जो डिजायर्ड इफेक्ट है COP अगर हीट पंप का लिखते हैं तो डिजायर्ड इफेक्ट में हम लिखेंगे Q1 अपॉन एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं वो है W विद एनर्जी सप्लाई। ऐसा करने से Q2 से हीट निकल करके, मतलब T2 टेम्परेचर सराउंडिंग से हीट निकल करके रूम में जाता है, तो ये हीट पंप का COP हो गया। और इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर में COP लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर का COP लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो है Q2, रेफ्रिजरेटर में COP अगर रेफ्रिजरेटर का लिखते हैं तो डिजायर्ड इफेक्ट है मेरा Q2 और एनर्जी सप्लाइड है W, एनर्जी सप्लाइड है W। तो COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये ध्यान रखना है। नाउ हीट पंप के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है वो है Q1, तो COP ऑफ हीट पंप हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट Q1 बाई एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड W। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर अप्लाई करते हैं हम, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग को जो उतना एनर्जी दिए उतना ही एनर्जी निकलेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितना एनर्जी इनपुट हुआ वो क्या हुआ, Q2 प्लस W। तो हम कह सकते हैं Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो COP क्या मिल गया, इसमें डिजायर्ड इफेक्ट में Q1 है बाय W की जगह पर Q1 माइनस Q2, तो COP आपका ये मिला। बट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर केस में COP जो आपका होगा वो क्या होगा, Q2 बाय Q1 माइनस Q2, ये ध्यान रखना है दोनों में। दिस इज रेफ्रिजरेटर और दिस इज फॉर हीट पंप। तो इन केस ऑफ हीट पंप, हीट पंप में जो COP मेरा होगा वो Q1 बाई Q1 माइनस Q2, बट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन COP जो होगा वो Q2 बाई Q1 माइनस Q2। ठीक है, नेक्स्ट, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन 0.75। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिए, इफिशियंसी कार्नोट इंजन का इफिशियंसी जो है वो है 0.75। इफ द साइकिल डायरेक्शन अगर उलट दें तो COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल कितना होगा, ये पूछा गया। एक बात और यहां पर कि जैसे मान लीजिए दिस इज हीट इंजन, और हीट पंप के बारे में अभी डिस्कस किए थे, हीट पंप के लिए दिस मच डिस्कस किए थे, लेकिन अगर रिवर्सिबल हीट पंप होता, यानी कार्नोट हीट पंप होता, रिवर्सिबल मतलब लॉसेस नहीं होता, कार्नोट हीट पंप का बात करते तो जो Q था वहां पर उसको रिप्लेस कर देते T से, क्योंकि Q1 बाई T1 Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। ये होता है एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल से, जब रिवर्सिबल होगा तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ये वैलिड होगा। तो जहां भी Q1 होगा वहां पर हम T1 रखेंगे, और Q2 जहां होगा वहां T2 रखेंगे। तो अगर रिवर्सिबल हीट पंप का बात करते या कार्नोट हीट पंप का बात करते तो T1 बाय T1 माइनस T2 होता। नाउ दिस इज ए हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होता है कि कोई एक हीट इंजन है वो एक साइकिल में ऑपरेट हो रहा है, और जब इस साइकिल में ऑपरेट हो रहा है तो उस वक्त ये हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया, और लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर में Q2 अमाउंट ऑफ रिजेक्ट किया, और इसके बीच वो वर्क डन कुछ डेवलप किया, कुछ वर्क डन डेवलप किया।
तो यहाँ से इसका इफिशियंसी अगर लिखेंगे, इफिशियंसी ऑफ दिस इंजन लिखेंगे, तो आउटपुट बाय इनपुट लिखेंगे, तो इफिशियंसी आउटपुट, आउटपुट क्या है आपका, आउटपुट है W और इनपुट जो हम दे रहे हैं वो है Q1। आउटपुट में Q2 नहीं लिखेंगे, Q2 के क्योंकि Q2 तो रिजेक्टेड अमाउंट है। तो दिस इज फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, तो जो एनर्जी आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो एनर्जी जो इनकमिंग है वो है Q1 और आउटगोइंग है W प्लस Q2। तो W निकालेंगे तो W हमेशा Q1 माइनस Q2 ही मिलेगा, तो W के जगह पर Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पर W के प्लेस में हम Q1 माइनस Q2 पुट करेंगे, तो इफिशियंसी कितना मिल जाएगा, इफिशियंसी मेरे को मिलेगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाई Q1, यानी 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 माइनस Q2 बाई Q1 ये मिला हमको, 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब Q2 बाई Q1 जो है वो T2 बाई T1 के बराबर है, या Q1 बाई Q2 T1 बाई T2 के बराबर होता है, कब, रिवर्सिबल के केस में। अगर रिवर्सिबल हीट इंजन का बात होता, यानी कार्नोट हीट इंजन का बात होता, तो उस पर्टिकुलर केस में Q2 बाई Q1 को रिप्लेस कर देते हैं T2 बाई T1 से। तो याद रखना है कि टेम्परेचर में रिप्लेस किए हैं हम, तो उसका इफिशियंसी को टेम्परेचर में रिप्लेस किए हैं, तो वो हमको रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में दे रहा है आइडिया। तो रिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी ये है, और हीट पंप का जो रिवर्सिबल हीट पंप का बात करें, रिवर्सिबल हीट पंप को टेम्परेचर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिवर्सिबल हीट पंप के लिए जो COP मिलेगा वो T1 बाई T1 माइनस T2, और COP ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का बात होता तो उस केस में रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की बात करते तो Q2 की जगह T2 बाई T1 माइनस T2, तो मतलब हीट को टेम्परेचर से रिप्लेस कर देना अगर रिवर्सिबल का बात होगा तब। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इफिशियंसी है रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल का, जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी आपका 0.75 है। वो इफिशियंसी कितना है, 0.75 है। यदि इसको रिवर्स कर दिया जाए, इस साइकिल को, जो साइकिल ऑपरेट हो रहा है, साइकिल को डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, मतलब उल्टा कर दें, डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने से हमको रेफ्रिजरेटर मिलता है या हीट पंप मिलता है, जस्ट इसका रिवर्सिबल हीट पंप या रेफ्रिजरेटर होता है। तो जब रिवर्स कर देंगे तो हमको रेफ्रिजरेटर मिलेगा या हीट पंप मिलेगा, ये है इफिशियंसी। अगर हम ये बात करें, इफिशियंसी जो है वो दिया हुआ है 0.75, तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन का बात कर रहा है, मतलब कि इफिशियंसी को टेम्परेचर के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। इफिशियंसी बोल रहा है 0.75 है, तो यहाँ से T2 बाई T1 इज इक्वल टू 0.25, 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25, तो T2 इज इक्वल टू 0.25 T1 ये होगा। नाउ यदि अब इसको क्या किया जाए, कि रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स करने से हमको दो चीज़ मिलेगा, अगर इंजन को, कार्नोट इंजन को रिवर्स कर दें, साइकिल को रिवर्स करते हैं, तो हमको या तो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर मिलेगा या तो रिवर्सिबल हीट पंप मिलेगा। अगर रेफ्रिजरेटर पूछा है तो रेफ्रिजरेटर ध्यान में रखना हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूछा है आपकी, आपसे ये यहाँ पर पूछा है वो रिवर्सिबल अगर रिवर्स कर दें तो उस इंजन का इफिशियंसी क्या होगा। COP ऑफ रिवर्स कार्नो साइकिल, रिवर्स रेफ्रिजरेटर नहीं पूछा है, रिवर्स कार्नो साइकिल पूछा है, तो उसके लिए आपको COP ऑफ हीट पंप निकालना होगा। तो अगर COP ऑफ रिवर्स कार्नो साइकिल पूछता है तो आपको COP ऑफ हीट पंप निकालना होगा। हीट पंप के लिए COP क्या होता है, कार्नोट हीट पंप, यानी कि रिवर्सिबल हीट पंप के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल हीट पंप में Q1 को रिप्लेस कर देंगे T1 से और Q2 को रिप्लेस कर देंगे T2 से, तो जो मिलेगा हमको यहाँ मिलेगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। तो T1 जो मिला वो T1 की जगह जस्ट T1 ही रहने दिए, और T2 की जगह 0.25 T1 रख दिए, ये जो कैलकुलेट किए तो ये हमको फाइनली देगा 1.33। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1.33। बट इन केस ऑफ अगर हम ये बात करें, सीओपी ऑफ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का बात करें, रिवर्स रेफ्रिजरेटर कार्नो साइकिल का बात करें, अगर रिवर्स कर दें तो उस पर्टिकुलर केस में T2 बाई T1 माइनस T2 निकालना होगा। और T2 जो आपको पता है अभी 0.25 T1, और T1 का यह T1 और T2 का यह 0.25 T1, तो मिलेगा जो हमको वो मिलेगा 0.33 मिलेगा हमको यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर केस में 0.33, और अगर रिवर्सिबल हीट पंप का अगर बात करते हैं, रिवर्स कर देते हैं रिवर्सिबल हीट पंप में, तो 1.33, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है,
COP ऑफ रिवर्स कार्नो साइकिल पूछा है, तो रिवर्स कार्नो साइकिल अगर पूछा है तो इसमें हो जाएगा 1.33, मतलब रिवर्सिबल हीट पंप। लेकिन अगर COP ऑफ रिवर्स्ड रेफ्रिजरेटर पूछता तो उस केस में होता आपका 0.33। ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमको दूसरा दिखाते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में अब सेम क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 0.75 इन 75%। कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी 75% है। इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स, साइकिल के डायरेक्शन को यदि रिवर्स कर दें तो COP ऑफ रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल लिखा हुआ है यहाँ पर तो उस केस में 0.33 जो हम लोग अभी भी निकाले थे। लेकिन अगर रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन नहीं होता यहाँ पर तो हीट पंप का यूज़ करते हैं, वो 1.33 लिखते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जैसे कि 5.15 क्वेश्चन है, ये कोई भी टेक्स्ट बुक जो आप फॉलो करते हैं उसी का है क्वेश्चन, डायरेक्ट हमको दिख गया इसलिए डाल दिए थे इसको हम। इसका रिवर्स कार्नोट रेफ्रिजरेशन से साइकिल 5.15 का ऑप्शन नंबर डी होगा 0.33, ऑप्शन नंबर 5.15 का डी होगा 0.33। तो इसको भी देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होगा 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाउस रिक्वायर्स 16 मेगा कैलोरी पर आवर इन विंटर। एक हाउस है, हाउस रिक्वायर 16 मेगा कैलोरी पर आवर इन विंटर फॉर हीटिंग। द हीट पंप एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द कोल्ड एयर आउटसाइड एंड रिक्वायर्स 8 मेगा कैलोरी पर आवर ऑफ वर्क। तो ये है रूम मेरा, दिस इज T1 टेम्परेचर, और ये T2 टेम्परेचर से कुछ अमाउंट लेगा हीट, जो भी लेगा वो Q2 बोलेगा, और इसको जो बोलते हैं Q1 बोलते हैं। ऐसा करने से कुछ वर्क डन W देना होगा, तो COP आपसे पूछ रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में COP आपको पता है 60 अपॉन W, जो भी है W, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी सप्लाइड। डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो आपका 60 है, और एनर्जी सप्लाइड जो है आपका वो एनर्जी सप्लाई 8 मेगा कैलोरी है। 60/8 कैंसिल आउट कीजिए, 60/8 कितना मिलेगा आपको, 7.5। तो ये है रूम आपका, हीट पंप का बात कर रहा है, रूम है, दिस इज सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट Q1 निकाला, और ऐसा करने से करने के लिए वर्क डन जो देना पड़ा वो W देना पड़ा, और W है 8 मेगा कैलोरी पर आवर। और ऐसा करेंगे तो Q1 अमाउंट ऑफ जो हीट जो है वो रूम में दिया गया वो है 60 मेगा कैलोरी पर आवर। तो हम जानते हैं इस पर्टिकुलर केस में COP जो होता है वो डिजायर्ड इफेक्ट बाय एनर्जी सप्लाइड होता है। डिजायर्ड इफेक्ट जो है वो आपका दिस इज, क्योंकि रूम को गर्म करना है, हीट पंप का मेन काम होता है रूम को गर्म करना, तो डिजायर्ड इफेक्ट Q1 हो गया, और एनर्जी सप्लाई जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो W सप्लाई कर रहे हैं। तो COP 60/8 यानी 7.5 यानी 75%। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट बोलता है, इफ द हाउस इन एबव प्रॉब्लम इज टू बी कूल, यदि हाउस को क्या करना है, ठंडा करना है, एंड हीट रिक्वायरमेंट ऑफ हाउस आर सेम एज दैट टू बी डन इन इज ऑल्सो 8 मेगा कैलोरी पर आवर, देन COP क्या होगा। अब एबव प्रॉब्लम में क्या करना है हमको, रूम को ठंडा करना है, रूम को क्या करना है, अभी गर्म किए थे हम, अब रूम को ठंडा करना है। तो रूम को जब ठंडा करना है मतलब रेफ्रिजरेटर जैसा बिहेव करेगा, एंड हीट रिक्वायरमेंट ऑफ हाउस आर सेम एंड वर्क डन इज टू बी सेम, देन COP क्या होगा, हीट रिक्वायरमेंट सेम होगा, वर्क डन सेम होगा।
इस पर्टिकुलर केस में आप थोड़ा गौर कीजिएगा, इस पर्टिकुलर केस में दिस इज माई रूम, रूम को क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे, रूम को हीट दे रहे थे, रूम गर्म हो रहा था। लेकिन अब रूम को क्या करना है, ठंडा करना है, तो रूम को हम नीचे बना दिए, दिस इज टेम्परेचर T2 और दिस इज टेम्परेचर T1। अब T2 टेम्परेचर से हीट निकला, हीट निकाल निकाल के लेके जा रहे हैं, तो रूम ठंडा होगा। रूम जब ठंडा होगा, ऐसा करने के लिए वर्कडन जो दे रहे हैं वो 8 मेगा कैलोरी पर आवर दे रहे हैं, और जो हीट जो था वो हीट रिक्वायरमेंट ही सेम था, मतलब Q1 उतना ही होगा जितना Q1 था। तो इस पर्टिकुलर केस में आप लोग इसका COP निकालिएगा, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालिएगा, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालिएगा, तो कैसे निकलेगा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर? तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से टोटल एनर्जी इनपुट इज इक्वल टोटल आउटपुट, इनपुट है Q2 प्लस W, तो Q2 प्लस W इनपुट है, आउटपुट जो मिला वो Q1 है, इज इक्वल टू Q1। तो यहाँ से Q2 हम निकाल सकते हैं, तो Q2 होगा Q1 माइनस W, और Q1 का जो वैल्यू है वो 60 है और W का वैल्यू है 8 है, तो 60 माइनस 8 यानी 52, Q2 मिला मेरा 52। अब इसका हमको COP निकालना है, तो COP रेफ्रिजरेटर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए COP निकालते हैं डिजायर डिफेक्ट बाय एनर्जी सप्लाइड, जो डिजायर डिफेक्ट है वो है 52 आपका Q2, दिस इज द रेफ्रिजरेटर, ये डिजायर डिफेक्ट है, यहाँ ठंडा करना है हमको, तो Q2 अपॉन जो एनर्जी सप्लाई है वो W, तो Q2 यानी कि 52 अपॉन W की जगह 8 यानी 6.5, यानी 6.5 COP जो मिला वो 6.5 मिला। कह रहा है ऑन PV डायग्राम में द प्रोसेस लाइन PV to the power n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, इंक्रीज होगा, तो ये जो लाइन है PV to the power n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो लाइन किधर शिफ्ट होगा, तो ये भी हम पहले देख चुके हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में PV to the power n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन होता है, और ये इक्वेशन में जैसे जैसे n इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपको क्या होता है, जैसे मान लीजिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करें, मतलब PV to the power n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n बी द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, पी बी द प्रेशर, वी बी द वॉल्यूम, ये कॉन्स्टेंट होता है, इस रिलेशनशिप को फॉलो करना है। यदि n का वैल्यू जीरो हम ले लें, n का वैल्यू इसमें जीरो ले लें, तो एनी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, मतलब V to the power 0 इज इक्वल टू वन, यानी यहाँ जो मिला वो मिला प्रेशर ही मिला, सिर्फ मिला हमको क्या प्रेशर, ये तो वन हो गया, ये वन हो गया, एन पावर जीरो रखे तो ये पूरा पावर टर्म वन हो गया, तो मतलब प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन मिलता है n इक्वल टू जीरो पे। जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी हम रखे, n के जगह पर इन्फिनिटी रखे ऊपर की इक्वेशन में, n के जगह पर इन्फिनिटी रखे, तो उसमें वॉल्यूम का पावर इन्फिनिटी कहने का मतलब है कि उसके कंपेरिजन में आपका जो प्रेशर है वो बहुत ही कम है, तो उस केस में आप कह सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तीसरा टर्म है कि जैसे ही वॉल्यूम के जगह n के जगह 1 रखते हैं, आप n के जगह 1 रखते हैं, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपको तब मिलता है जब वो आइसोथर्मल प्रोसेस का बात करेगा, क्योंकि हम जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT आइडियल गैस इक्वेशन से, मास इज इक्वल टू 1 हम पहले से मान लिए, मास 1, R तो पहले से कॉन्स्टेंट है, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मान ही लिए, तो राइट हैंड साइड पूरा कॉन्स्टेंट मिल गया, तो PV इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पूरा कॉन्स्टेंट, तो हम कह सकते हैं PV जब कॉन्स्टेंट के बराबर है वो मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस का बात कर रहा है, तो जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और n के प्लेस पे अगर गामा लेते हैं तो ये इक्वेशन बनेगा PV to the power γ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और गामा का वैल्यू होता है 1.4 होता है गामा का वैल्यू, तो आप पहले देखिए 0 था, फिर इन्फिनिटी था, फिर 1 था, 1.4 था, तो इस तरह से बढ़ रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम PV डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज द, इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट करता है n इज इक्वल टू 0 को, और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करता है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी को, क्योंकि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा PV डायग्राम में तो वर्टिकल लाइन होगा, और प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो यानी हॉरिजेंटल लाइन होगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट मतलब हॉरिजेंटल लाइन होगा, ये दो लाइन तो हमको डिस्टिंग्विश कर लिए, ये है n इज इक्वल टू 0 और ये वाला लाइन जो है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यदि n इज इक्वल टू 1 होता,
यदि n इज इक्वल टू वन होता तो जीरो और इन्फिनिटी के बीच लाइक करता कहीं ना कहीं, तो ये है आपका वन। ये लाइन जो हम खींचें, दिस लाइन इज़ वन, ये आइसोथर्मल का लाइन है। उसके बाद एक लाइन ये जो है n इज इक्वल टू गामा, n इज इक्वल टू गामा एडियाबेटिक का लाइन है। तो जैसे जैसे आप बढ़िएगा, जीरो से वन हुआ, वन से 1.4 हुआ, 1.4 से आपका इन्फिनिटी हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में जैसे आप बढ़िएगा, जैसे यहाँ वाई डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कीजिएगा ये लाइन, वैसे वैसे n का वैल्यू आपका बढ़ रहा है, वैसे वैसे n का वैल्यू आपका बढ़ रहा है। एन का वैल्यू बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो जाए तो वो वर्टिकल लाइन हो जाएगा, वाई एक्सिस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये सीखे इस पर्टिकुलर केस में कि जैसे जैसे आप एन का वैल्यू आप इंक्रीज करिएगा, वैसे वैसे वो वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगा, वैसे वैसे वो जो लाइन है पीवी टू द पावर एन का, वो लाइन वाई एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगा। कम्स क्लोजर टू वाई एक्सिस, कम्स क्लोजर टू वाई एक्सिस, द वैल्यू ऑफ इंक्रीजेस, देन पी वी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कम क्लोजर टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट, हीट एडेड इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो हीट एडेड जीरो। एडियाबेटिक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का नहीं एडिशन होता, कोई हीट का इंट्रैक्शन नहीं होता है, एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर जीरो होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन, कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टी एस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप क्या होगा। तो आपको पता है टी एस डायग्राम में कॉन्स्टेंट प्रेशर का लाइन कैसा होता है, ये तो पहले से पता है आपको। ये है टी एस डायग्राम आपका, टी एस डायग्राम है, ये जो कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का लाइन ऐसे होता है। ये लाइन जो है कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप को हम थीटा बोल सकते हैं। अगर थीटा को हम दो पॉइंट कंसिडर करें तो ये वाला टर्म डी टी है और ये वाला टर्म डी एस है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई डी एस, और टैन थीटा जो होता है वो स्लोप होता है, तो स्लोप जो होता है वो डी टी बाई डी एस स्लोप होता है। इस पर्टिकुलर में डी टी बाई डी एस स्लोप आपका है, टी एस डायग्राम में कॉन्स्टेंट प्रेशर का लाइन ऐसा होता है, तो स्लोप जो है डी टी बाई डी एस। नाउ एक प्रॉपर्टी रिलेशनशिप हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी, टी डी एच इज इक्वल टू डी एच माइनस, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। और एक और प्रॉपर्टी रिलेशनशिप होता है, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी पी। इन दोनों इक्वेशन को कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमको चूंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर का काम करना है, इसलिए हम ऊपर वाले इक्वेशन को लेंगे, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। इस रिलेशनशिप में चूंकि हम कॉन्स्टेंट प्रेशर का बात कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर में प्रेशर का कॉन्स्टेंट हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो के बराबर होगा, तो डी पी जहाँ कहीं भी है वो जीरो हो जाएगा, मतलब टी डी एस इज इक्वल टू डी एच के बराबर। और डी एच जो होता है वो सी पी डी टी के बराबर होता है, डी एच किसके बराबर होता है, सी पी डी टी। और डी यू जो होता है वो सी वी डी टी के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, जब मास वन है तब। तो डी एच की जगह पर हम सी पी डी टी रख दिए, तो टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी मिला हमको, और स्लोप होता है डी टी बाई डी एस, तो डी टी बाई डी एस आप लिखिएगा तो यहाँ से मिलेगा डी टी बाई डी एस टी बाई सी पी। तो टी बाई सी पी जो मिला, डी टी बाई डी एस को हम स्लोप बोलते हैं, तो टी बाई सी पी के बराबर है, यानी कि स्लोप जो होगा वो टी बाई सी पी के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर केस में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इन ए साइकिल द हीट इज रिजेक्टेड एट, कोई साइकिल है, हीट जो रिजेक्ट होता है वो हीट कब रिजेक्ट होता है, कौन सा साइकिल है, ये स्पेसिफाई नहीं किया है क्वेश्चन में, तो कोई भी साइकिल हो सकता है। तो हर एक साइकिल में अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का अगर बात करें, तो कार्नो साइकिल में, कार्नो साइकिल में कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन होता है। कॉन्स्टेंट प्रेशर का बात करें तो ब्रेटन साइकिल में कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का बात करें तो ऑटो साइकिल में कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो भी हमको दिखा वो हर एक केस में हीट जो रिजेक्ट होता है, कौन साइकिल है ये हमको नहीं पता, क्वेश्चन इनकम्प्लीट कह सकते हैं आप।
तो अगर आप इसमें कुछ भी नहीं है, कौन साइकिल है ये नहीं बोला है, तो उस केस में आप एनी वन ऑफ द एबव लिख दीजिए। नेक्स्ट है, स्टीम फ्लो थ्रू द नोजल इज कंसिडर्ड, नोजल से भी स्टीम का फ्लो होता है, नोजल अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, नोजल से स्टीम का जब फ्लो होता है तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये आइसेंट्रोपिक फ्लो हो रहा है, मतलब कोई भी हीट का रिजेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी प्रेशर आएगा, तो यहाँ पर चूंकि देख रहे हैं कन्वर्जेंट नोजल हम बाबा का बात करेंगे, तो जो भी चीज़ आएगा उसका एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है, एरिया घट रहा है मतलब प्रेशर भी घटेगा, एरिया घट रहा है मतलब प्रेशर भी घटेगा। तो एरिया कैसे घट रहा है, तो मतलब क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरिया घट रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। बर्नौली इक्वेशन पी बाई रो जी प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, मतलब एरिया घट रहा है तो प्रेशर भी घटेगा, एरिया घट रहा है तो प्रेशर घटेगा। प्रेशर अगर घट रहा है, किसी चीज़ के प्रेशर को अगर रोक दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, तो जाहिर बात है कि उसका वेलोसिटी आप बढ़ा दे रहे हैं। तो जो वेलोसिटी अगर बढ़ा दे रहे हैं, और अगर ये पूरी तरह से इंसुलेट किया हुआ नहीं है, अगर ये पूरी तरह से इंसुलेट नहीं किया हुआ है, तो वो हीट के फॉर्म में भी प्रेशर कन्वर्ट होगा हीट के फॉर्म में भी। अब इसको अगर आइसेंट्रोपिक बना के रखे हैं, तो जो भी कन्वर्सन है प्रेशर का, वो प्रेशर फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी में, और नोजल का काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज करना। तो अगर ये इंसुलेट नहीं है, तो मतलब प्रेशर का कुछ पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपका हीट में भी, और वो हीट रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इंसुलेट करके रखते हैं। तो इंसुलेट करके रखते हैं, तो जो भी प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है, ना कि आपका हीट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हीट में कन्वर्ट होने का बात तो नहीं है, यहाँ पर इंसुलेटेड है तो हीट में तो कन्वर्शन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टीम फ्लो थ्रू द नोजल, नोजल से जब स्टीम का फ्लो होता है, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज एन एडियाबेटिक फ्लो, एडियाबेटिक फ्लो कंसिडर करते हैं, ये ध्यान रखना है, एडियाबेटिक फ्लो कंसिडर करते हैं। अगर इसमें अगर फ्लो थ्रू द नोजल इज एज्यूम टू बी एडियाबेटिक फ्लो, सिंस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द नोजल नाइदर एनी हीट सप्लाई और नॉर रिजेक्टेड, वर्क हाउ एवर इज परफॉर्म इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम, एज द स्टीम पासिस थ्रू द नोजल इट्स लॉसेस इज प्रेशर एज वेल एज द हीट, हीट भी लॉस करता है, इसलिए उसको हम इंसुलेट करके रखते हैं, दैट मीन्स वो एडियाबेटिक फ्लो है, इज एज्यूम टू बी एडियाबेटिक फ्लो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विथ टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, तो एफिशिएंसी क्या होगा। तो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन का क्या होता है, क्या 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1 माइनस T2 बाई T1 अगर टेम्परेचर को आप कैल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो भी आंसर आएगा, और कैल्विन में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तो भी आंसर आएगा। ना अगर है 200 डिग्री सेल्सियस, T1 200 है तो 273 ऐड कीजिएगा, 473 आपको मिलेगा, T2 जो है 303 केल्विन मिलेगा, तो एफिशिएंसी जो मिला 1 माइनस T2 बाई T1, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो T1 माइनस T2 जो भी मिलेगा 473 माइनस 303 तो 170 अपॉन T1 क्या है 473, जब उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वो मिलेगा 36.359, दैट मीन्स 0.36 यानी 36%। नेक्स्ट है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सबस्टांस डिपेंड अपॉन, तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर ओनली पे डिपेंड करता है। तो कैसे टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ना
इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? तो प्रॉपर्टी रिलेशनशिप आपको पता है, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी। एक और रिलेशन, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। ये दो इक्वेशन याद रखिएगा, ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। हम सेकेंड इक्वेशन को लेके चलते हैं यहाँ पर, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। तो डी एच माइनस वी डी पी में डी एच निकालना पड़े, तो डी एच इज इक्वल टी डी एस प्लस वी डी पी, ये इक्वेशन। एंड दो टी डी एस रिलेशनशिप हम लास्ट क्लास में लिखे थे, यहाँ सेकेंड टी डी एस रिलेशन हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे, सी पी वाला टर्म। तो इस ये सेकेंड टी डी एस रिलेशन, दो टी डी एस रिलेशनशिप हम लास्ट ट्रिप बनाए थे, तो बताए थे। तो एक टी डी एस रिलेशनशिप ये आपको यहाँ पर लेके चलना है, डी पी वाला, सी पी, सी पी डी टी वाला यहाँ पर लेके चलना है। और ये इक्वेशन एक, ये दो इक्वेशन को यूज़ करना है आपस में। तो आपको टी डी एस इज इक्वल टू दिस मच तो पता है, इस पूरा वैल्यू को उठा करके हम टी डी एस में यहाँ पर डाल दे रहे हैं, इस टी डी एस की जगह पर डाल दे रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ डालेंगे तो हमको जो मिलेगा वो डी एच इज इक्वल टू कितना मिलेगा, तो डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी, डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी, ये वाला टर्म पूरा मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दिस मच मिला हमको। अगर हम बात करें, इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म पूरा ये है डी पी वाला टर्म। अगर सिंपली अगर ये इक्वेशन को पता है, इस इक्वेशन रखिए किनारे, इक्वेशन नंबर वन बना दीजिए। इक्वेशन नंबर टू, इफ हम जानते हैं कि इनथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब वो टेम्परेचर पर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, तो उसको हम मैथमेटिकली इस रूप में तोड़ सकते हैं कि इनथैल्पी चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी टी। फिर इनथैल्पी डिपेंड करता है प्रेशर पर, डी एच बाई डी पी इंटू डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये पार्ट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला, ये पार्ट जो है प्रेशर पर डिपेंड करने वाला, इसको इस फॉर्म में मैथमेटिकली हम तोड़ देते हैं ना। उसके बाद हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को और एक इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो ये वाला जो टर्म है डी टी के साथ वाला टर्म, ये वाला टर्म जो है वो डी एच बाई डी टी है, और ये वाला टर्म जो है वो डी एच बाई डी पी है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, जो डी पी के अलावे जो टर्म ये लिखा हुआ है, ये पूरा डी एच बाई डी पी है। तो अगर हम सेकेंड टर्म पहले निकालने की कोशिश करते हैं कि डी एच बाई डी पी निकालने की कोशिश करते हैं, वो दिस मच है, हमको ये चीज़ इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू आर डी, पी वी इज इक्वल टू आर टी, एम आर टी मास इज इक्वल टू वन माने हम, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो वी इज इक्वल टू कितना, आर टी बाई पी। हमको चाहिए क्या, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी चाहिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर है डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हमको ये चीज़ निकालना है, इसको यहाँ पुट करना है। तो डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर करेंगे तो आर बाई पी मिलेगा। आर बाई पी क्यों, टेम्परेचर रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट मान लिए हैं तो आर बाई पी यहाँ से मिला। इस टर्म को आर बाई पी को हम यहाँ पर इंजेक्ट कर देंगे ऊपर के इक्वेशन में। तो ऊपर के इक्वेशन क्या था, डी एच इक्वल टू सी पी डी टी प्लस भी, और ये जो था डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो उसकी जगह पर आर बाई पी रख सकते हैं, टी इंटू आर बाई पी। अब टी आर बाई पी जो होगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो टी आर बाई पी इज इक्वल टू भी, इतना पूरा जगह भी, तो भी माइनस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यानी पूरा टर्म जो हमको मिला, ये वाला टर्म, वो क्या टर्म मिला, ये टर्म पूरा का पूरा क्या मिला हमको, जीरो मिला। मतलब ये पूरा टर्म जो था, ये पूरा टर्म जो था वो किसके बराबर था, डी एच बाई डी डी पी के बराबर था। तो यहाँ से हमको पता चला कि डी एच बाई डी पी इज इक्वल टू जीरो आया, मतलब ये सेकेंड टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डी एच क्या मिला, सी पी डी टी, ओनली सी पी डी टी। तो डी एच की जगह सी पी डी टी, और यहाँ से पता चल रहा है कि एच जो है एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। सेम कंसेप्ट अगर आप यूज कीजिएगा फॉर इंटरनल एनर्जी के केस में, तो इंटरनल, सिमिलरली इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ये हमको प्रूव करना है। तो एक टी डी एस रिलेशनशिप हम, ये प्रॉपर्टी रिलेशनशिप रखेंगे, डी यू इज इक्वल टू, हम इक्वेशन लाए थे टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो यहाँ से डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ये इक्वेशन ये। और फर्स्ट टी डी एस रिलेशन, फर्स्ट टी डी एस रिलेशन लास्ट क्लास में दो टी डी एस रिलेशन दिए थे हम, ये टी डी एस रिलेशन आप ध्यान में रखिएगा। इस टी डी एस रिलेशन में
टी डी एस का जो वैल्यू है इसको उठा करके यहाँ डाल देना है, तो डी यू जो मिलेगा मेरे को फाइनली जो डी यू मिलेगा वो हमको ये मिला, डी यू इज इक्वल टू दिस मच। सिमिलरली यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है तो उसको एक्सपैंड करेंगे मैथमेटिकली, तो डेल यू इज इक्वल टू पहले यू टेम्परेचर साथ चेंज कर रहा है फिर यू वॉल्यूम के साथ चेंज कर रहा है, तो जब टेम्परेचर साथ चेंज कर रहा है तो लिखते हैं डेल यू बाई डेल टी इंटू डी टी, और जो वॉल्यूम साथ चेंज कर रहा है तो लिखते हैं डेल यू बाई डेल वी इंटू डी वी। इसमें ये वाला जो टर्म है ये इसको रिप्रेजेंट करता है और ये वाला टर्म इसको रिप्रेजेंट करता है, डी टी के साथ जो है ये वाला टर्म इसको रिप्रेजेंट करता है, हमको ये वाला टर्म चाहिए। तो इस टर्म में पहले निकालना होगा डेल पी बाई डेल टी निकालना होगा, डेल पी बाई डेल टी निकालना होगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, डेल पी बाई डेल टी हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को साइड राइट साइड भेज दीजिए, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर आर बाई वी, आर भी, आर भी मिला तो इतना के जगह पर आर भी रख देंगे, तो आर बाई भी रख देंगे इंटू टी, टी पहले से है यहाँ पर, तो टी इंटू आर बाई वी, टी इंटू आर बाई वी एग्जैक्टली पी के बराबर है, इतना के जगह पर पी हो गया पूरा, पी माइनस पी, पी दिस इज द पी और माइनस पी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जैसे ही जीरो हो जाएगा डी यू किसके बराबर है सी वी डी टी के, और डी यू जब सी वी डी टी के बराबर है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यू इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, यू किस पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रहा है, किसी और पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यू इनथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी बोथ आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द टेम्परेचर, दोनों किस पे डिपेंड करता है दोनों सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट है द डाइथर्मिक वॉल, डाइथर्मिक वॉल एडियाबेटिक वॉल, डाइथर्मिक वॉल मतलब कि वैसा वॉल जिसमें हीट का ट्रांसफर हो उसको डाइथर्मिक वॉल बोलते हैं, और एडियाबेटिक जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो, तो यहाँ एडियाबेटिक वॉल है, एडियाबेटिक क्या होता है रोकता है हीट का ट्रांसफर, वो तो प्रिवेंट द थर्मल इंट्रैक्शन, और डाइथर्मिक वॉल में क्या होता है परमिट्स थर्मल इंट्रैक्शन, मतलब डाइथर्मिक में हीट का ट्रांसफर होगा और एडियाबेटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोर ऑफ ए रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड ए रूम वाज लेफ्ट ओपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कहने का मतलब है कि कभी ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, आप इसको समझिए थोड़ा सा, दिस इज द इवेपोरेटर, दिस इज द कंप्रेसर, सॉरी कंप्रेसर, दिस इज द कंप्रेसर, दिस इज द कंडेंसर और दिस इज माय एक्सपेंशन वाल्व, ये जो है आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम है, दिस इज द इवेपोरेटर, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट रहता है, इस पूरे सर्किट में रेफ्रिजरेंट रहता है, पूरा एक साइकिल में ऑपरेट हो रहा है, वो जो साइकिल इस तरह से ऑपरेट हो रहा है, ये नीचे में क्या होता है लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर रहता है, ऊपर में हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर रहता है, यहाँ पर T1 हम जानते हैं और इसको हम T2 जानते हैं, यहाँ पर कुछ वर्कडन देना पड़ता है, तो कंप्रेसर है तो कंप्रेसर में कुछ वर्कडन हम देंगे, तो ये हम अभी भी देखें। अब रहा बात कि अब तो समझने की कोशिश कीजिए, T2 यहाँ पर है, ये रूम से मान लीजिए रूम से हीट को निकाला, हीट को कैसे निकालता है, तो इसके अंदर रहता है रेफ्रिजरेंट, जो लिक्विड फ्लो करता रहता है वो रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी ये होता है कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है, अब इवन रूम टेम्परेचर पर वो चीज़ बॉयल हो रहा है, रूम टेम्परेचर से कम में भी बॉयल होता है, तो रूम टेम्परेचर से कम में अगर वो बॉयल होता है तो जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पर है वो बॉयल होने के लिए हीट रूम से ही तो निकालेगा, और रूम का टेम्परेचर अगर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है अभी का जो भी एटमोस्फेयर का टेम्परेचर वो है, तो रूम से हीट निकाल करके वो चीज़ बॉयल होगा, वो चीज़ जैसे ही बॉयल होगा तो बॉयल होकर के वो आगे बढ़ेगा, वो बॉयल होकर के वो कंप्रेसर में बढ़ेगा, कंप्रेसर में कंप्रेसर चला कर उसको और कंप्रेस करेंगे, मतलब उसका एनर्जी और बढ़ा देंगे हम, तो उसका जो एनर्जी जो था वो और हम बढ़ा दिए,
तो अब और एनर्जी उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ा, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हो गया तब वो आसानी से सराउंडिंग में टेम्परेचर सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट कर सकता है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ का सराउंडिंग टेम्परेचर है मान लीजिए मेरा 35 डिग्री सेल्सियस और रूम का टेम्परेचर जो है वो मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस। अब सराउंडिंग में रिजेक्ट करने के लिए मेरा टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कम से कम 35 से मोर होगा तभी तो हीट रिजेक्ट होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ से हीट निकालते हैं और हीट निकालने के बाद इसका टेम्परेचर जो है इसका जो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा लेकिन वो 35 से ज़्यादा नहीं हुआ। तो 35 से ज़्यादा करने के लिए उसको कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ करके वो 60 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए हो गया। अब इसका टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आसानी से हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट वो कर सकता है। अब रहा बात रेफ्रिजरेटर का, अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेटर में ये इक्विपमेंट और ये इक्विपमेंट दोनों रूम के अंदर ही हैं। मतलब हीट ले भी रहा है रूम से ही और रिजेक्ट भी कर रहा है रूम में ही। मतलब रूम और गर्म होगा धीरे धीरे, रूम ठंडा होने का नाम नहीं लेगा क्योंकि रेफ्रिजरेटर का डोर जो है आप खुला छोड़ दिए, रेफ्रिजरेटर का डोर आप खुला छोड़ दिए तो हीट भी ले रहा है रूम से और रिजेक्ट भी कर रहा है रूम में ही। रूम से बाहर अगर रिजेक्ट करता तो रूम जाकर के मेरा ठंडा होता लेकिन रूम में ही रिजेक्ट कर रहा है, दैट मीन रूम और मेरा गर्म हो रहा है, रूम ठंडा नहीं हो रहा है। इसलिए रेफ्रिजरेटर का डोर जो होता है हमेशा बंद ही रखना चाहिए, खुला हुआ नहीं रखना चाहिए। अगर खुला हुआ रखता है बंद रखते हैं तो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो जो भी सब्सटेंस रखा हो उसे हीट निकालेगा और हीट निकाल करके रूम में फेंक देगा, रूम तो मेरा गर्म होगा। लेकिन अगर डोर ही खुला रख दिए तो हीट जो ले रहा है वो रूम से ही ले रहा है और रूम में ही भेज रहा है हीट को। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में मेरा जो रूम है द रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म्ड अप, रूम जो होगा ग्रेजुअली मेरा गर्म होगा, ठंडा नहीं होगा रूम गर्म होगा इस पर्टिकुलर केस में, ये ध्यान रखना। अब कह रहा है कंप्रेस्ड एयर कमिंग आउट फ्रॉम द पंचर्ड फुटबॉल है मेरे पास और पंचर्ड फुटबॉल से एयर बाहर निकल रहा है। एयर जब बाहर निकल रहा है तो एक्सपेंशन होगा, ये जो एक्सपेंशन होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन मान के चलिए, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान वो जो एयर बाहर निकलेगा वो आपका कूल होगा क्योंकि आपका इस ऐसा कीजिएगा तो इसका प्रेशर क्या होगा घटेगा, एक्सपैंड हो रहा है प्रेशर आपका घटेगा और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी आपका घटेगा तो वो कूल होगा। तो ये है एडियाबेटिक एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल है जिसके वजह से जो कंप्रेस्ड एयर पंचर्ड फुटबॉल से बाहर निकलता है कंप्रेस्ड एयर वो ठंडा हो जाता है, बिकम्स कूलर, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है वाटर कंटेंट इन बीकर, बीकर में वाटर रखा हुआ है ठीक है, कैन बी मेड टू बॉयल, उसको बॉयल करना है आपको बाई पासिंग स्टीम थ्रू इट, उसे जो स्टीम पास करेंगे बॉयल करना है उस हमको, स्टीम जो पास करेंगे उसका प्रेशर क्या होगा। फैक्टर अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट को कौन फैक्टर अफेक्ट पहुंचाता है उसके बारे में थोड़ा देखिए। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है When the liquid vaporize, जब लिक्विड वेपोराइज होगा, जब मान लीजिए हीट दिए तो ये वेपोराइज हुआ, यहाँ पर इतना पानी है इसमें ये वेपोराइज होकर के सारा वेपर यहाँ पर कलेक्ट हो गया, वेपर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है। हाई प्रेशर अप्लाइड टू द लिक्विड, जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हाई प्रेशर जो है वो अप्लाई टू द लिक्विड, लिक्विड पे प्रेशर जो अप्लाई हो रहा था पहले से और अब जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो विल अपोज द एक्सपेंशन इन टू गैस, जो अपोज करता है बॉइलिंग को, अपोज करता है दस अपोजेज द बॉइलिंग को अपोज करता है, ये रोकता है कि बॉइलिंग नहीं होना। कहने का मतलब ये है कि प्रेशर का बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। दैट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, प्रेशर का घटा देंगे प्रेशर का घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका घट जाएगा, ये ध्यान में रखना है, प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो ऊपर से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है ना इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्ट हो रहा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा बढ़ गया,
जो चीज़ पहले 50 डिग्री सेल्सियस बॉयल होता वो अब 60 पे 70 पे बॉयल होता। अब 60 70 अचीव करना बहुत ही इजीली हो जाता है, आसानी से अचीव कर लेता है ये, क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि प्रेशर आपका बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है और यहाँ पर का टेम्परेचर इजिली बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक प्रेशर कुकर कंसिडर कीजिए, वेन द कुकिंग प्रेशर इंक्रीजेज, कुकिंग का प्रेशर इंक्रीज होता है एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इंक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। देयरफॉर ऐसा करने से क्या होता है, हायर टेम्परेचर कैन बी अचीव इजली, हायर टेम्परेचर अचीव हो जाता है एंड फूड कैन बी कुकड मोर क्विकली, फूड जो है वो मोर क्विकली कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिला इन प्रेशर कुकर में, वेन द कुकिंग प्रेशर इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, कुकिंग प्रेशर जो है वो प्रेशर के वजह से, कुकिंग प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी बढ़ा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। देयर फॉर हायर टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड, हायर टेम्परेचर अचीव कर लेता है एंड द फूड कैन बी कुकड मोर क्विकली, फूड जो है वो मोर क्विकली बनता है। दूसरा बात यह है कि अगर इन माउंटेन पे अगर चढ़े, जैसे जैसे धरती से ऊपर जा रहे हैं माउंटेन पे, पहाड़ पे अगर चढ़े तो माउंटेन पे वाटर बॉयल लोअर टेम्परेचर, वाटर जो है कम ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर वो घटेगा, जैसे जैसे आप धरती से ऊपर बढ़िएगा वैसे वैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर आपका घटेगा, प्रेशर घटेगा मतलब कि बॉइलिंग टेम्परेचर आपका घटेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर घटेगा विद द एलिवेशन, विद द एलिवेशन। बट इन केस ऑफ प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ वो पैक रहता है ना तो इजिली टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका। देयर फोर हायर टेम्परेचर कैन बी इजिली अचीव्ड एंड फूड कैन बी कुक्ड मोर क्विकली, फूड जो है वो मोर क्विकली कुक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये जो सीखे कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा। वाटर कंटेनर इन बीकर, बीकर में वाटर रखा हुआ है, कैन बी मेड टू बॉयल, उसको बॉयल करना है हमको, द पासिंग स्टीम, स्टीम जो उसमें पास हम करेंगे, स्टीम जो उसमें पास करेंगे वो स्टीम अगर हम ज़्यादा प्रेशर पे पास करेंगे, मतलब कि ज़्यादा स्टीम पास करेंगे, हायर प्रेशर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर पास करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो प्रेशर वो ईजिली अचीव कर लेगा, वो टेम्परेचर को बहुत जल्दी अचीव कर लेगा, तो ईजिली वो जितना जल्दी वो बॉयल होना चालू कर देगा, मतलब वो जल्दी टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि एट ए प्रेशर ग्रेटर दैन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर से अगर ज़्यादा प्रेशर हम लोग डालते हैं, स्टीम को जो डाले उसका प्रेशर एटमोस्फेरिक से अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उसका तो बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ना ही है। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो ईजिली वो बॉयल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ईजिली अचीव कर लेगा, क्योंकि वो पैक्ड कंडीशन में है, पैक्ड कंडीशन में है तो ईजिली वो टेम्परेचर अचीव कर लेगा। बट अगर आप ये सोचने लगेगा कि उसको बॉयल ही करना है तो प्रेशर घटाएंगे तो बॉयल भी जल्दी करेगा, तो ऐसा नहीं है, प्रेशर अब घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो घटेगा, लेकिन वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट है हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो अगर हीट इंजन का बात करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिए वो वर्क में कन्वर्ट होगा और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा, या हायर टेम्परेचर T1 से लिया और लोअर टेम्परेचर T2 में रिजेक्ट किया, तो कह रहे हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ, कुछ ही कन्वर्ट हुआ तो हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ये सही बात है। नेक्स्ट है हीट रेज कैन बी कन्वर्ज एट ए वन पॉइंट बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर अगर हम लगा दिए, अगर ये कॉनकेव मिरर है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, हीट रे आया, हीट रे आने के बाद वो मान लीजिए ये हीट रे आया, ये मान लीजिए इस पॉइंट से पास करे तो एक पॉइंट पे कन्वर्स तो हो रहा है, कन्वर्स भी होता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर एक्सपैंड वेन कूल्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, तो हम ये जानते हैं मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो डेंसिटी अगर मैक्सिमम है 4 डिग्री सेल्सियस पर तो उससे अगर कम है तो जाहिर बात है कि वो एक्सपैंड करेगा, उसका डेंसिटी घटेगा,
क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी 4°C पर, डेंसिटी उसका घटेगा कुछ ही घटेगा, घटेगा तो हम कह सकते हैं कि वाटर एक्सपैंड बिलो 4°C सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हीट रेज कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। हीट रेज जो है, हीट जो है वो हीट जो ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र का 3 मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो रेडिएशन अगर आप पढ़े हैं तो रेडिएशन में, रेडिएशन में आपको ये बात पता है कि जब हीट का जो ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, तो जो हीट फ्लक्स निकलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T^4 के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो Q/A इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू T^4। ये जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, सिग्मा विद द स्टीफन बोल्टजमैन कॉन्स्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 5.67 × 10⁻¹⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर कैल्विन 4। तो ये सिग्मा का वैल्यू है। तो जो भी हीट का यहाँ से निकल रहा है वो Q/A, जो भी हीट निकल रहा है वो σT^4। ये हीट को निकलने के लिए इसका एक कोरोलरी था, हीट जो निकलता है वो डज नॉट रिक्वायर द मीडियम, कोई मीडियम उसको जो भी नहीं निकलने के लिए। ऑल द सरफेस मस्ट इमिट थर्मल रेडिएशन। अगर ये सरफेस है जो कि T1 टेम्परेचर पर, दूसरा सरफेस है जो कि T2 टेम्परेचर पर, T1 बहुत कम टेम्परेचर है और T2 जो है मान लीजिए रूम टेम्परेचर है, दोनों ही सरफेस मस्ट इमिट थर्मल रेडिएशन। और थर्मल रेडिएशन जो निकालता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलता है। तो चाहे इवन एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो, ऑल द सर्फेस मस्ट इमिट थर्मल रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड दिस रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। प्रोपोगेट करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम जरूरी नहीं होता है, इवन वैक्यूम भी है तो वहाँ पर सिर्फ वो ईजिली वो निकल सकता है वो थर्मल रेडिएशन। तो ऑल सर्फेस मस्ट इमिट थर्मल रेडिएशन। और थर्मल रेडिएशन कितना निकलेगा, वो निकलेगा σT^4। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा थर्मल रेडिएशन होगा, उतना ज़्यादा हीट निकलेगा। और इसको निकलने के लिए कोई मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है हीट रे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब आप इसमें ओनली फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है, तो मतलब ओनली फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ई भी तो करेक्ट है, हीट में ट्रांसफर बाय एनी 3 मोड, 3 मोड से ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट।